हे भारत में 90% लोगों के दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से होती है और बहुत लोग इसका प्रयोग थकान मिटाने या अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। पर चाय या कॉफी में ऐसा क्या है जो इसे इस काम के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है, आइए जानते हैं। हमारी दैनिक ऊर्जा के 20% भाग का इस्तेमाल हमारा ब्रेन करता है और इस इस्तेमाल के दौरान ब्रेन में एडीनोसिन नाम का पदार्थ रिलीज होता है जिससे हमारे शरीर में थकान का सिग्नल पहुंचता है। एडीनोसिन के समान बनावट वाला एक और पदार्थ कैफीन, जो कि चाय और कॉफी में पाया जाता है, एडीनोसिन के असर को कम करने में सक्षम है जिससे हमारे शरीर में थकान का सिग्नल नहीं पहुंच पाता और हम चुस्त दुरुस्त महसूस करते हैं। ना सिर्फ चाय और कॉफी पर चॉकलेट, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स में भी पाए जाने वाले कैफीन के अधिक समय तक इस्तेमाल से हमारे शरीर की कैफीन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिस कारण कॉफी का पहले जैसा इफेक्ट पाने के लिए हमें और भी ज्यादा कॉफी पीनी पड़ती है। इसके चलते कई लोगों को चाय या कॉफी की आदत भी लग जाती है जिसे कैफीन डिपेंडेंसी कहते हैं। कैफीन का इफेक्ट हमारे डोपामिन लेवल्स पर भी पड़ता है। डोपामिन वो पदार्थ है जो ब्रेन में रिलीज होने पर हमें खुशी महसूस कराता है, लेकिन यह केमिकल ब्रेन में कुछ समय की सक्रियता के बाद वापस रीअब्सॉर्ब भी हो जाता है। कैफीन इस रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस को स्लो कर देता है जिससे व्यक्ति में डोपामिन का असर ज्यादा देर तक रहने से वह अच्छा व खुश महसूस करता है। इस असर के कारण कैफीन का नेचर बाकी कोकेन और हेरोइन जैसे हानिकारक ड्रग्स की तरह एडिक्टिव भी हो सकता है। तो क्या कैफीन हमारे लिए खतरनाक है? हाँ और नहीं। कैफीन का 100% असर हमारे शरीर में 6 घंटे तक रह सकता है, जिसके बाद इसकी मात्रा आधी और असर कम होने लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक बार में लगभग 10 ग्राम कैफीन का डोज खतरनाक हो सकता है, लेकिन कैफीन पॉइजनिंग एक दुर्लभ घटना है क्योंकि हमारी सामान्य कॉफी या चाय के एक कप में 10 से 200 मिलीग्राम तक कैफीन हो सकता है और ओवरडोज के लिए हमें 50 से 100 कप एक साथ पीने होंगे, जो करना बहुत मुश्किल है और ये लिमिट हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। साइंटिस्ट्स के अनुसार कैफीन के साइड इफेक्ट्स में नर्वसनेस, इंसोम्निया यानी नींद ना आना, टैकीकार्डिया यानी हार्ट बीट का सामान्य से तेज होने जैसी समस्याएं शामिल हैं। हालांकि कैफीन का प्रयोग कई एंटी डिप्रेसेंट जैसी दवाइयां तथा लीवर और प्रोस्टेट कैंसर के प्रति लाभदायक भी पाया गया है। तो जब बात कैफीन की हो, सीमित मात्रा में इसके बेनिफिट्स इसके साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा हैं। तो इसलिए अपनी चाय और कॉफी की चुस्कियां जारी रखिए और स्वस्थ रहिए। शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और बताइए नीचे कमेंट्स में कौन सी जानकारी आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।